हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है 22625 यानी MEE, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच की क्वेश्चन पेपर है, 6 सेमिस्टर। ये जो सब्जेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर है इस क्वेश्चन पेपर में। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर जो है ये विंटर 2022 की क्वेश्चन पेपर है, और इसमें आंसर भी हमने प्रोवाइड किए हैं। सो ये जो बैकलॉग में भी इसमें से क्वेश्चन आए थे एंड समर में भी आए थे, तो अंदाजा लगा लो कि इस बार भी आएंगे। जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, वो आते ही है। सो इस बार समर में भी आ सकते हैं, इनमें से कई क्वेश्चन सो ये प्रिपरेशन के लिए सही है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी फाइव, सो यहाँ पर अटेम्प्ट एनी फाइव है, जो 7 में से अटेम्प्ट एनी फाइव करने होते हैं, हमें एनी फाइव अटेम्प्ट करने होते हैं। सो पूरे 7 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिए हैं। सो तुम्हें सभी के सभी नोट करने हैं। यहाँ पर तुम वीडियो को पॉज करके तुम स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लेना। और तुम्हें अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके तुम इस क्वेश्चन पेपर की, मॉडल आंसर की, तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम चेक कर लो वहाँ से। सो यहाँ पर जो ए है, क्वेश्चन ए, फर्स्ट का ए, यहाँ पर क्या है इसका कि 1 मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, यानी यहाँ पर हमें एनी 4 पॉइंट लिखने के लिए बोले गए हैं। लेकिन जब भी तुम 2 पॉइंट्स भी लिखते हो ना, सो 1 पॉइंट का 1 मार्क मिलेगा यहाँ पर। सो 2 पॉइंट भी लिखोगे तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड क्वेश्चन बी, सो क्वेश्चन बी का जो है सेम 1 मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इक्वल टू 2 मार्क्स। एंड क्वेश्चन सी, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, 1/2 मार्क फॉर 1। सो यहाँ पर हमें कोई से भी 4 पॉइंट्स लिखने ही है, तब जाके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड क्वेश्चन डी जो है 1 मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इक्वल टू 2 मार्क्स। एंड क्वेश्चन ई, 1/2 मार्क फॉर ईच 1। सो हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, तब जाके यहाँ पर हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। सो ये जो क्वेश्चन है, लिस्ट आउट फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ ऑफ इंसुलेशन एनी 4। सो यहाँ पर एनी 4 लिखने के लिए के है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में 2 भी लिखते हैं तो भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं। एंड वैसे क्वेश्चन एफ, 1/2 मार्क फॉर ईच 1। सो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट लिखने हैं कम से कम। एंड क्वेश्चन जी, 1/2 मार्क फॉर ईच 1। और यहाँ पर ये पूरे सिंपल है, हमें यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं जो आंसर है। अभी ये जो पीछे आंसर क्वेश्चन गया, क्वेश्चन फर्स्ट, सो इसमें ए बी सी डी एफ जी इतने सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इजी है, तुम इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। सो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 2। सो यहाँ पर 1 मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 ट्रबल विथ केस एंड रिमेडी इक्वल टू 4 मार्क्स। सो ये जो क्वेश्चन 2 है ये 4 मार्क का होता है। सो अगर तुम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ए है, इसको तुम ठीक से लिखते हो, जैसे यहाँ पर है ये इतना पूरा लिखते हो, मतलब ये पूरा लिखोगे तुम 1, 2, 3, 4 पॉइंट, तब जाके तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड इसमें तुम्हें ज़्यादा भी पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हो टोटल 11 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, यहाँ पर हमें टोटल 11 पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से हमें लिखने हैं क्वेश्चन 2 में ओनली 4 पॉइंट्स, 4 मार्क्स। एंड
तुम अभी ये क्या करो, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी ले ले लो, एंड जो भी इजी है तुम्हें वो प्रिपेयर करने हैं। सो यहाँ पर एंड नेक्स्ट पेज पर भी है, यहाँ पर ये एंड क्वेश्चन बी, लिस्ट आउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल केस ऑफ फेल्यूर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो यहाँ पर हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी फोर पॉइंट्स। सो हमें यहाँ पर फोर पॉइंट्स लिखने ही है और यहाँ पर 19 पॉइंट्स है। सो फोर मार्क मतलब फोर जो पॉइंट है, कौन से भी इजी जो छोटे छोटे है वो तुम चूज कर लो। एंड यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल केस ऑफ फेल्यूर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर बहुत से पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से जो भी इजी है वो तुम लिख सकते हो, कौन से भी चार पॉइंट्स। अभी चार लिखने हैं तो चार ही नहीं हमें प्रिपेयर करने हैं, हमें आठ प्रिपेयर करने हैं, दस प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन सी है इसका है कि हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी फोर पॉइंट्स ऑफ डोज इक्वल टू टू मार्क्स। सो यहाँ पर हमें टोटल एट पॉइंट्स कवर करने हैं। एंड ये देखो यहाँ पर टोटल जो पॉइंट दिए गए हैं वो बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये टोटल 38 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें सिर्फ 8 पॉइंट लिखने हैं, जो भी इजी तुम्हें लगते हो। एंड ये उसी का आंसर है। एंड या तक एंड क्वेश्चन डी जो है, वन मार्क फॉर ईच ऑफ एनी फोर फैक्टर्स। सो यहाँ से हमें फोर फैक्टर लिखने ही लिखने हैं, ईच वन वन मार्क्स। एंड यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री हाफ मार्क फॉर वन मार्क, हाफ मार्क्स वन मार्क, वन मार्क। एंड जैसे कि यहाँ साइड में देखो, ये जो है यहाँ पर पॉइंट वन, इसके लिए हाफ मार्क है। एंड यहाँ पर जो पॉइंट टू है, स्विचिंग ऑफ द सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए वन मार्क है। एंड यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, रिमूव द पर्सन, इसके लिए वन मार्क। एंड जो फोर पॉइंट है, रिमूव द पर्सन, इसके लिए हाफ मार्क है। एंड या जो ए और बी है, इसके लिए वन मार्क है। एंड क्वेश्चन बी हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी एट पॉइंट्स। सो हमें यहाँ पर एट पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पर ले लो स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पर। सो यहाँ पर है क्वेश्चन सी जो है, हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी टू पॉइंट्स एंड 1.5 मार्क फॉर डायग्राम। सो ये यहाँ पर ये डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम, एंड 1.5 मार्क्स फॉर प्रोसीजर। सो इस डायग्राम की प्रोसीजर के लिए हाफ मार्क है, मतलब डेढ़ मार्क है। एंड यहाँ पर उसका ये है। और यहाँ पर क्वेश्चन डी हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी टू पॉइंट्स। सो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है ये हमें कवर करने हैं यहाँ पर। सो ये जो है हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी टू पॉइंट्स। सो यहाँ पर जितने कितने हैं, चार पॉइंट्स, ज़ीरो आउट वोल्टेज, लो आउट वोल्टेज, और ये जो नीचे के दो है, जो फर्स्ट पॉइंट है ज़ीरो आउट वोल्टेज, इनमें से हमें टू पॉइंट्स लिखने हैं। और जो यहाँ पर बी है, लो आउट वोल्टेज, लो आउटपुट वोल्टेज, इसमें से हमें टू पॉइंट्स तो लिखने ही है। एंड यहाँ पर हमें टू पॉइंट्स लिखने हैं एंड यहाँ पर टू पॉइंट्स। सो जितने भी चार पॉइंट्स हैं उनमें से टू 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 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड यहाँ पर क्वेश्चन
4, अटेम्प्ट एनी 3, 4 12 मार्क्स ईच, वन 4 मार्क्स। सो यहाँ पर जो ए है, लिस्ट आउट सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ बी टेकन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फायर। सो यहाँ पर हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 8 पॉइंट्स। सो 8 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर, 17 पॉइंट्स है, उनमें से हमें 8 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड क्वेश्चन बी जो है, 1 मार्क्स फॉर डायग्राम, 1 मार्क फॉर प्रोसीजर एंड 1 मार्क फॉर या नीचे जो प्रोसीजर है, एंड यहाँ पर सेम है 1 मार्क फॉर डायग्राम एंड प्रोसीजर। एंड क्वेश्चन सी, हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 पॉइंट्स। यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने हैं तब जाके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड नीचे जो है यहाँ, लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फॉल्ट्स इन ट्रांसफार्मर, इनमें से हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड क्वेश्चन डी, हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 8 पॉइंट्स इक्वल टू 4 मार्क्स। सो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें एक एक तो लिखने हैं। एंड यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लो। यह भी, एंड यहाँ पर क्वेश्चन ई जो है, 2 मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्शन, 2 मार्क्स फॉर डायग्राम, नीचे जो डायग्राम है इसके लिए 2 मार्क्स है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अटेम्प्ट एनी 2, यहाँ पर 3 दिए जाते हैं, उनमें से हमें 2 लिखने होते हैं। सो हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 टेस्ट्स एंड हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 टेस्ट। सो जितने भी टाइप है उनमें से, यहाँ पर जो पॉइंट्स है उनमें से थोड़े थोड़े लिखने हैं, मतलब 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 टेस्ट। सो सब में से हमें लिखने हैं। एंड यहाँ पर जो बी है, क्वेश्चन 5 का बी, 2 मार्क्स फॉर डायग्राम एंड 2 मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्शन, 2 मार्क्स फॉर फॉर्मूला। सो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसके लिए 2 मार्क्स है। क्वेश्चन 5 सी, यहाँ पर जो आंसर है, 1 मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 1 पॉइंट्स। एंड जो बी है, यहाँ पर जैसे कि ए में हमें एनी 1 पॉइंट्स लिखना है, बी में एनी 1 पॉइंट्स लिखना है, एंड सी में 1 पॉइंट लिखना है, और डी का 1 पॉइंट। एंड यहाँ पर ई जो है इसका 1 पॉइंट, एफ का 1 पॉइंट, सबका एक एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर। एंड क्वेश्चन 6 का जो ए है, स्टेट द यूज़ ऑफ फॉलोइंग टूल्स। सो यहाँ पर टोटल 6 टूल्स दिए गए हैं। सो 1 मार्क फॉर 1 यूज ऑफ ईच टूल्स, सबका एक एक लिखना ही है। एंड क्वेश्चन बी, हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 टेस्ट एंड हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 टेस्ट, हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 4 टेस्ट। सो जितने भी ये पॉइंट्स है सब में से हमें एनी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड लास्ट का जो क्वेश्चन है सी सिक्स सी, सो यहाँ पर इसका ये नीचे आंसर है, हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 2 पॉइंट्स एंड हाफ मार्क फॉर ईच ऑफ एनी 2 पॉइंट्स। और यहाँ पर जो डायग्राम है
टू मार्क्स फोर डायग्राम एंड टू मार्क्स फोर डिस्क्रिप्शन। सो ये थे आंसर। और भी जो जितने भी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, वो सभी सिक्स सेमिस्टर के या फिर फोर सेमिस्टर के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर सभी चैनल पर आने वाले है, और चैनल पर है कई है। सो वो जाकर तुम चेक कर सकते हो चैनल पर, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।